Can you please say your name and publication, please? Hi, Chetan, my name is Alok. Left में. अरे RJ आलोक. आज दिखाओ सबको आप जो कॉफी का कप लाए हो अपने फोन पे दिखाइए. गौर से देखिए इस आदमी को. दिखाइए ना. अरे दिखाइए. वाह क्या बात. हाँ अब वार्तालाप कर सकते. अर्जुन आपने ये नॉवेल पढ़ी थी पहले और क्या ब्रीफ मिली थी मोहित की तरफ से फिल्म के लिए? देखिए पिछली बार जब मैंने चेतन भगत की नॉवेल की थी जिसकी फिल्म बनी थी मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी थी. इस बार भी सुपर स्टेशन की वजह से मैंने वही कायम रखा. मुझे स्क्रिप्ट मिली थी पहले और कहीं ना कहीं मुझे कहानी का एक अंदाजा था मोटा मोटा, जैसे सबको होता है जब एक किताब निकलती है और सक्सेसफुल होती है. एंड हाफ गर्लफ्रेंड वाज अ वेरी सक्सेसफुल नॉवेल व्हेन इट केम आउट, सो आई वाज अवेयर ऑफ द स्टोरी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट आई वांटेड टू रीड इट फ्रॉम द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इवेंचुअली आई डिडंट वांट टू हैव द बैगेज हियर, क्या निकाला है, क्या रखा है, क्या बुक में लिखा गया था और क्या इवॉल्व हुआ है, कुछ अच्छा है या बुरा है. आई वॉन्टेड द स्क्रिप्ट टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर बिकॉज इवेंचुअली बननी तो वो थी. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि चेतन और मोहित साथ में ही काम कर रहे थे स्क्रिप्ट को लेकर, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द फिल्म टुगेदर फ्रॉम द गेट गो, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज. आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि जो चेंजेस होंगी वो फिल्म के लिए भलाई के लिए होंगी एंड चेतन वुड बी इन द लूप ऑफ इट, सो आई वाज प्रीटी सिक्योर दैट. मैंने बुक में ही पढ़ी, पर मैं ये कहूँगा कि स्क्रिप्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू द बुक, एज क्लोज एज यू कैन अडेप्ट अ बुक टू अ फिल्म एंड क्रंच द स्क्रीन टाइम अलॉन्ग विद द म्यूजिक एंड सर्टेन इमोशंस दैट नीड टू कम टू द फोरफ्रंट. तो ब्रीफ वही थी कि मोहित का एक दिन फोन आया, मैं अर्जेंटीना में था और उसने कहा मैं तुझे एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ उसे पढ़ और बता क्या करना चाहता है कि नहीं. इट वाज दैट सिंपल एज दैट एंड आई थिंक आई वाज अबाउट 10 पेजेस इन एंड आई डिसाइडेड मैं ये फिल्म करने वाला हूँ, बिकॉज ये कैरेक्टर की शुरुआत जिस तरह होती है, जो आपने ट्रेलर में देखा जो शुरुआत है, वो जो पहला सीन है जब सेंट स्टीफन्स में ही हैज एन इंटरव्यू, आई थिंक वहीं से मैं किरदार के साथ जुड़ गया था. कहीं आई वॉन्टेड टू नो वॉट इज जर्नी इज. तो जब शुरुआत अच्छी होती है स्क्रिप्ट की तो आपको एक एक्साइटमेंट होती है कि एक अच्छा कैरेक्टर निभाने का मौका मिलेगा और वही हुआ. आई वॉज वेरी फुलफिल्ड एज अ व्यूअर एज अ रीडर बाय द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट एंड आई डोंट थिंक एनीबडी हैड टू ब्रीफ मी आफ्टर दैट. माय एक्साइटमेंट मेड श्योर दैट मोहित मी चेतन श्रद्धा तुषार ऑल द पीपल इन्वॉल्व वी वर्क टुगेदर टू ट्राई एंड डू जस्टिस टू नॉट ओनली द बुक बट टू द फिल्म इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, ताकि किसी को यह ना लगे कि बुक में ऐसा था और फिल्म में ऐसा है. तो वी गेट ऑल दैट इन माइंड एंड आई एम होपिंग कि आप सबको फिल्म पसंद है. बहुत लंबा जवाब है मेरा, आई फील गुड टू बी बैक इन बॉम्बे नाउ. श्रद्धा श्रद्धा आप गुनगुनाते हुए नजर आएंगे इस बार भी, जैसे हेलो आरजे आलोक तेरी गलियां जैसे आपने गुनगुनाया था पहले एक भी नहीं. लेकिन इस फिल्म में मैंने बास्केटबॉल खेला है और बहुत बाप रे उसके बारे में सोचती हूँ तो पसीना छूट जाता है. थोड़ी बहुत मराठी मैंने सिखाई है इनको. क्या सिखाया? खूब चांद बोल गई. थैंक यू. अग 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 ये सिखाया है मैंने पूरी पिक्चर में हर शॉट पर. अग 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 अर्जुन एंड श्रद्धा हाय. हेलो हाय. व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट और फिनोमेनन ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड? व्हाट इज योर पर्सनल? कैसी हैं आप सीमा जी? वेरी गुड, थैंक यू. Well, actually, I love the tagline of the film, and that is something जो मेरे लिए half girlfriend वही है, दोस्त से ज़्यादा, girlfriend से कम, और वो exactly मैं वही हूँ माधव के लिए फिल्म में, तो that's what it means to me. I think Mohit summed it up really nicely. There are a lot of relationships in our life that can't be termed, कोई नाम नहीं दिया जा सकता. कुछ लोग आते हैं हमारी ज़िंदगी सुधार के चले जाते हैं, कई लोग आते हैं जो एक impact छोड़ के चले जाते हैं, and not only romantically. There are a lot of relationships that get left incomplete. Or कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ बुरे के लिए होता है. So yes, of course, this film is about romance. Eventually, it's a love story. पर अगर आप अपनी निजी ज़िंदगी पर झांक के भी देखेंगे, there are a lot of you always wonder, अरे यार उसके साथ और समय मिलता तो क्या होता? मैं अगर उसे ये कह पाता तो क्या होता? Everybody, each and every human being has relationships like that. School के दोस्त हो गए, college के दोस्त हो गए, and family members हो गए. कई रिश्ते अधूरे रह जाते हैं. It's human nature. तो आई थिंक इवेंचुअली हाफ डज नॉट हैव टू बी बैड और गुड, इट्स जस्ट एन इमोशन. अधूरेपन में भी एक एक अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है. तो आप जब फिल्म देखेंगे आपको वो सब आई एम होपिंग महसूस होगा इन दैट जर्नी दैट हाफ समटाइम्स कैन बी बैड बिकॉज आप कितना कुछ कहना चाहते हो. समटाइम्स यार इतना ही काफ़ी, कम से कम इतना तो मिला. तो हर इमोशन के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा. तो आई थिंक हाफ इन दिस फिल्म हैज बोथ दोज इमोशंस दैट यू एज द ऑडियंस आई होप will feel, because हमने बनाई है ये बोल के नहीं कि अच्छा है या बुरा है. कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनको नाम देना मुश्किल हो जाता है. हमने एक नया नाम दिया है
एंड आई एम होपिंग कि आप सब देखोगे जो फिल्म तो आप अग्री करोगे हमारे पर्सपेक्टिव से. आपके लिए अमित चेतन आप सर 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 वो माइक पे बोल रहे हैं, आप माइक ले लीजिए. चेतन अमित बोल रहा हूँ. हेलो अमित. हाय. कहाँ हैं आप? या आपके लेफ्ट. हाँ अच्छा हाँ लाइट के थ्रू दिख नहीं रहे आप. कोई बात नहीं, अब दिख जाऊंगा. चेतन जो ये कैरेक्टर है माधव झा, तो आमतौर पर झा जो होते हैं वो ईस्टर्न बिहार जो होता है दरभंगा मधुबनी इन सब जगहों पर होते हैं, तो आपने बक्सर क्यों रखा? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कपूर को हम लोग पंजाब से निकाल के यूपी के किसी मतलब ना भी फर्क नहीं है, जहाज होते हैं वहाँ भी पटना में को तो वो. और ये इफ यू रियली वांट टू आस्क मी, वो लड़का पटना इंग्लिश सीखने आता है और मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो पटना से ज्यादा दूर ना हो, तो उसके लिए मैंने वो लिबर्टी लिया था. बुक में जो है वही यहाँ पे भी है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप हमारी फिल्म को इतनी बारीकी से देखते हो कि ये बक्सर में यहाँ जहाँ कम होते ऐसा नहीं है जीरो होते हैं, कोई आदमी इंडिया में कहीं भी रह सकता है सर. लेकिन योर पॉइंट इज राइट, बट लाइक आई सेड मुझे एक क्रिएटिव लिबर्टी लेना था क्योंकि मैं चाहता था कि वो कैरेक्टर वीकेंड पे पटना आए इंग्लिश सीख कर जाए, तो उसके लिए मुझे पास वाली जगह चाहिए. जो जगह आप कह रहे हो वहाँ से वीकेंड ट्रिप पटना का थोड़ा करना मुश्किल है इफ यू वांट टू आस्क मी, बट आई फील वेरी गुड एक्चुअली. लोग इतनी स्क्रूटनी रखते हैं मेरी फिल्मों में क्योंकि बाकी फिल्मों में कहते हैं अरे पिक्चर है यार ठीक है चलता है ना, बट इट्स योर पॉइंट इज वेरी वेल. दे आर जहाज आर फ्रॉम देयर बट आई ब्रॉट हिम हियर बिकॉज ही हैड टू गो टू पटना. और मोहित से सवाल था कि जो आपने डायलेक्ट विक्रांत को दिया, विक्रांत में से मतलब जिस डायलेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अर्जुन को भी वो मतलब डायलेक्ट क्यों नहीं आपने दिया? वेल अलग हिस्से से. हाँ एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा रिसर्च हमने किया था. वो एक्चुअली इनके कमरे में चार दोस्त जो अलग अलग जगह से बिहार के अलग अलग जगह से, एक तो झारखंड का भी है जो पिछले उनका था, तो कहीं ना कहीं वो डायलेक्ट बाहर थे. और इसमें एक हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा साहब और उनके डायलॉग कोच उन्होंने श्रीधर, जिन्होंने स्पेसिफिकली सरनेम के अकॉर्डिंग ऐसा उनको डायलेक्ट दिया है. आई थिंक गिव देम क्रेडिट फॉर दैट क्योंकि वो एरिया के हैं और उन्होंने इंटेंशनली वो चूज किया था. और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, no, Shraddha will also add, but before I forget, sorry, I'm being gents first right now. आप जब फिल्म में देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे जब लड़का लड़की के साथ होता है तो ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज एक्सेंट टू अ सर्टेन डिग्री. डायलेक्ट वो चाहता नहीं है कि वो हावी पड़े. और अपने दोस्तों के साथ हम सबका होता है ना, हम थोड़ा फैल जाते हैं. तो मेरा कोई डायलॉग नहीं है मेरे दोस्तों के साथ ट्रेलर में. आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि वो चारों अलग अलग हिस्से से आए हैं लेकिन उनका बात करने का तरीका जो लहजा पकड़ा है वो आपको खटकेगा नहीं. जो आपको डर होगा इस समय जो आप सुन रहे होंगे तो वो होगा नहीं. एक्चुअली आपने जो विक्रांत मासी का डायलॉग देखा था वो दोस्तों के बीच में कन्फ्रंटेशन है, तो इसलिए वो डायलेक्ट और उभर के आ रहा है. और ये फैक्ट है कि ये एक सेम कैरेक्टर जो सेकंड हाफ में आता है, अक्सर हमारे इंडियंस के साथ ये होता है. और ये फिल्म जो है लैंग्वेज पे बेस्ड है, हम अब्रॉड जाके कैसे हम अपने आप को भेज देते, हम अपने डायलेक्ट को भूल जाते हैं, अपनी भाषा भूल जाते हैं, थोड़ी इंग्लिश ट्वैंग वैंग करते हैं, वो भी है इस पिक्चर में. और मैं जो ऐड करना चाहती थी वो ये है कि इन्होंने इतना प्रेप किया, इतना प्रेपरेशन किया उस डायलेक्ट को ऑथेंटिक बनाने के लिए. और सिंस पहले दिन से ही ऑफसेट भी वो मुझसे वैसे ही बात करते थे और इतने कंफर्टेबल हो गए थे वो, और मैसेजिंग में भी मुझे वैसे मैसेज करते थे. तो बहुत आई मीन आई थिंक डायलेक्ट के साथ भी आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ परफॉर्मर इस फिल्म में अर्जुन हैज डन एन अमेजिंग जॉब. एंड आई थिंक ही रियली गॉट इनटू द कैरेक्टर. बहुत इन्होंने टाइम दिया फॉर द बास्केटबॉल प्रेपरेशन, डायलेक्ट प्रेपरेशन एंड जस्ट टू बिकम माधव झा. आई थिंक यू गाइस आर रियली गोइंग टू लव हिम. इस समय एक हेडलाइन तो मिल गई कि अर्जुन श्रद्धा को मैसेज किया था. बाकी आंसर तो करेक्ट था. पर अर्जुन आपके लिए नाम तो एक बुक का नाम तो खैर यही है जी. फिल्म में आपने इसको कितना क्लियर किया है इस टाइटल को? एक्चुअली ये जो आपने विक्रांत मासी का डायलॉग देखा और भी है जो ये क्लियर करते हैं कि ये लड़की कहीं ना कहीं उससे पूरी तरह कमिट नहीं करती है. इसका रीज़न भी है. सेकेंड हाफ में अलग सिचुएशन होता है कि जब ये इनसे कमिट नहीं कर पाते. ये कहीं ना कहीं मुझे जब इनिशियली जब मुझे बुक आई थी मुझे लगता था ये मैं ठहरा एक विलेन आशिकी 2 का डायरेक्टर और चेतन जी मेरे पास आए थे और बोला हाफ गर्लफ्रेंड है टाइटल. तो मैंने बोला चलो मैं बुक पढ़ लेता हूँ. पर जब मैंने पढ़ा मैंने देखा वो कहीं ना कहीं इसमें एक इमोशनल रीजनिंग थी. इसलिए सिर्फ नहीं थी क्योंकि ये कैची टाइटल है, पर इसमें कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप का आधा अधूरा छूटना, कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूटना और कहीं कॉलेज के बाद वापस मिलते हैं वापस टूट जाता है. तो आई थिंक ये आधा शब्द
जो था कहीं ना कहीं इसी को एक अनयूजुअल ट्विस्ट दे रहा था, इसलिए आई चोज टू टेक द सेम टाइटल। आपके लेफ्ट में जी, आप इस फिल्म के दौरान आपने महसूस किया कि बिहारी भाषा भाषी जो होते हैं कई बार इंग्लिश मीडियम में जाते वक्त उनका मजाक बनता है, या ऐसे भी बिहारी भाषा को मजाकिया बना दिया जाता है? मैम बिहारी कोई भाषा नहीं होती, भोजपुरी होती है। बिहार मेरे कहने का मतलब बिहार के जितने भी द थिंग इज यार, रैगिंग तो हर तरीके से होती है। हिंदुस्तान में क्या होता है, अगर आप समझदार हो और हिंदी में बात करो तो ज्यादा मायने नहीं। मेरा मानना ये सही बोल रही है, अगर आप सिर्फ बिहारी का आई मीन भोजपुरी का प्रॉब्लम होता है, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में रैगिंग होती है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से देखा जाता है, हालांकि आप समझदार हैं। और हमने वो विषय उठाया फिल्म में कि आप वही इंटरव्यू में वही बातचीत होती है जब ये खड़े होते हैं उनके सामने, वो कहते हैं आप बहुत समझदार हैं लेकिन आपकी अंग्रेजी पैदल है। तो वो कहता है छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे सर, आप एक समझदार छात्र को लेना चाहेंगे या कोनो ऐसे छात्र को जो दूसरी देश की भाषा बहुत बढ़िया बोल लेता है? और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विषय वही है, बातचीत जरूरी होती है, समझना जरूरी होता है। आप हिंदी समझ सकते हैं पर आप फिर भी चाहते हैं कि कोई अंग्रेजी में बात करे ताकि हम कूल लग सके। तो इट्स नॉट अबाउट सी ही इज मेड इट बेस्ड इन ए प्लेस, बिकॉज एक जगह चुननी होती है। हम चाहते तो एक बंगाली कैरेक्टर को भी चुन सकते थे, अगर दैट इज द राइटर्स डिसीजन टू गो, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी फेसेस इट, वी ऑल फेस इट। बॉम्बे में रहते हुए फेस करना पड़ता है। हम जब आपस में बात करते हैं मुझे पता लगता है ना, लोगों को बताया गया है कि नहीं इंग्लिश में बात करो, इट विल साउंड बेटर, एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो आपकी बात आधी अधूरी रह जाती है। तो उस वजह से बहुत लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत लोगों को सीरियसली नहीं लिया जाता। जब ये बुक हुई थी तो मैंने काफी डिबेट्स किए थे और हमने सर्वेस भी किए थे टीवी स्टूडियो में, मेरे को याद है एनडीटीवी वगैरह कई जगह, और वहाँ हमने लड़कियों से पूछा था अगर एक लड़का अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता विल यू एवर मेक हिम योर बॉयफ्रेंड, तो उन्होंने कहा नहीं, नो मे। सो विच इन अ कंट्री लाइक इंडिया आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज, आई फेल्ट वेरी गिल्टी एज अ इंग्लिश लैंग्वेज राइटर। इसीलिए मैंने एक ऐसी कहानी लिखी, और सबसे एक्साइटिंग मेरे को अगर आप पूछे पिक्चर में मेरे लिए यही था कि ये लैंग्वेज कैसे आएगी, बिकॉज मेरी बुक इंग्लिश में है, तो उसमें मैं वो ला नहीं सकता भोजपुरी के वो। एंड जेन्युइनली इट्स अ फिल्म, आई नो वी आर हियर टू एंटरटेन, और फिल्म एक तरफ जाती है टू एंटरटेन द ऑडियंसेस, पर मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज हमेशा खटकी है। हमारे यहाँ पे जो आजकल के नौजवान हैं वो अंग्रेजी तो बहुत फटफट फटफट बोल लेते हैं, पर आप हिंदी में दो तीन सवाल से ज़्यादा कर लीजिए तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती है। हम तो चलो एक्टर हैं तो हमें सीखने पड़ते हैं, और मैं आई कंसिडर समेल वेरी लकी दैट माय ग्रैंड पेरेंट्स स्पोक हिंदी टू मी ऑल द टाइम, तो मेरी हिंदी साफ रही हमेशा। पर बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, आई वुड से हिंदी इज समथिंग दैट यू नीड इन अ कंट्री टू टेक अ कंट्री फॉरवर्ड। हाउ कैन यू नॉट अंडरस्टैंड एंड स्पीक योर लैंग्वेज प्रॉपरली, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, और कहीं ना कहीं वो बहुत छोटा विषय है लोगों के लिए क्योंकि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। पर आई होप इस फिल्म के थ्रू एटलीस्ट वो चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी कि चाहे हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो, आप मराठी में करो बात, पर बात समझ में आनी चाहिए, वैसी बात करो ना, या क्या है कि सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी।